सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला गल करांगे किसानां दी जिन्हां दे वल्लों सरकार दे खिलाफ हल्ला बोल दिता गया है। पंजाब दे किसानां ते पंजाब पुलिस ने भी हल्ला बोल दिता है। मान सरकार दे मंत्रीमंडल की एक बैठक हुई है, एक अहम फैसला सरकार दे वल्लों लिया गया है। साबका AIG राजजीत सिंह एक बार फिर तो गायब हो गए ने। मनप्रीत सिंह बादल तो 4 घंटिया तक पुछगिछ की गई है। सुखदेव ढींडसा ने सुखबीर बादल दे अगे एक नवी शर्त रख दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे घर दे अगे एक बार फिर तो धक्का मुकी वेखन नूं मिली है। ठंड जोर फड़न जा रही है। मौसम विभाग ने की कुछ आखिया है तुहानूं सारा कुछ दसांगे, पर सब तो पहला शुरुआत किसानां तों करदे हां। पंजाब दे विच उत्तरी भारत दीआं 18 किसान जथेबंदियां अते संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक दे वल्लों ऐलान कीता गया सी कि 20 नवंबर वाले दिन दुपहर 12 to 4 तक DC अते SDM दफ्तरां दे बाहर रोस मुजाहरे कीते जाणगे अते अपने इस ऐलान नूं जमीनी पद्धर ते लागू कर दिता इन्हां किसान जथेबंदियां ने। पंजाब अते हरियाणा दे विच इह एक्शन किसानां दे वल्लों कीता गया, हल्ला बोल दिता गया DC दफ्तरां ते अते किसानां दे वल्लों पराली दीआं ट्रालियां भर के DC दफ्तरां दे सामने लाउण दी कोशिश भी कीती गई। रस्तियां दे विच पुलिस दे वल्लों किसानां नूं रोकण दीआं कोशिशां भी कीतियां गईआं। कई थावां तों पुलिस अते किसानां विचाले झड़पां दीआं तस्वीरां भी सामने आईआं, क्योंकि बैरीगेट ला के पुलिस रोक रही सी अते पराली दे नाल लदीआं ट्रालियां दे नाल बैरीगेटिंग तोड़न दी कोशिश किसानां दे वल्लों कीती गई। वड्डी गिणती दे विच किसान DC दफ्तरां दे बाहर पंजाब दे वख-वख जिलों के जिहड़े DC दफ्तर ने उन्हां दे बाहर एकत्र होए अते सरकार दे खिलाफ रज के नारेबाजी किसानां दे वल्लों कीती गई। पहलां तां किसानां दीआं कुछ होर भी मंगां सन, पर हुण मुख तौर ते पराली साड़न नूं लै के जो सरकार दे वल्लों पुलिस दे वल्लों किसानां दे खिलाफ सख्ती कीती गई है, परचे दर्ज कीते गए ने, जुर्माने लाए गए ने, रेड एंट्रियां कीतियां गईआं ने, उस नूं लै के किसानां दे वल्लों इह जबरदस्त रोस प्रदर्शन किया गया। किसानों ने तो चेतावनी सरकार को यह भी दे दी है कि हुण असी सिर्फ पराली दीआं ट्रालियां ही भर के लियाए हां। जेकर सरकार ने पैर पछां ना खिचे, किसानों की मदद ना की, जां फिर आर्थिक तौर पर साडी मदद करो, मशीनां दिओ, नहीं तो सानू पराली साड़न तो भी रोको ना। जेकर सरकार ने यह काम ना रोकिया जो सख्ती की जा रही है किसानों से तशद्दुद करन दी कोशिश सरकार कर रही है, तो यह जो पराली असी लियांदी है DC दफ्तरां दे बाहर इस नूं अग ला देंगे, फिर वेखांगे कि पराली साड़न दे नाल किन्ना कु धुआं हुंदा है DC दफ्तरां दे बाहर। किसानां दे वल्लों गुस्से दे विच आ के सरकार नूं इह चेतावनी दे दित्ती गई है। अगे वधदे आ, हल्ला जेकर किसानां ने सरकार दे खिलाफ बोलिया है तां सरकार ने भी किसानां दे खिलाफ हल्ला बोलिया है। इसे करके ही इन्ने ज़्यादा गुस्से दे विच इह किसान आए पए ने। स्पैशल DGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला दे वल्लों जानकारी दित्ती गई है कि पंजाब पुलिस दे वल्लों 932 FIR कीतियां गईआं हन किसानां दे खिलाफ। 1,67,00,000 दे जुर्माने भी ला दिते गए ने किसानां ते। 7405 मामलों दे विच इह 1,67,00,000 दे जुर्माने ठोके गए हन। 340 किसानां दे वही खातियां ते, जो सरकारी खाते हन उन्हां ते रेड एंट्रियां भी पा दित्तियां गईआं हन। साढ़े वल्लों प्रशासन के वल्लों अर्पित शुक्ला के वल्लों ये जानकारी दिती गई है। उन्होंने आख्या कि जो सुप्रीम कोर्ट के वल्लों सानू हदायतां दित्तियां गईआं ने उसे नूं ही लागू करन दी कोशिश साढ़े वल्लों कीती जा रही है। उन्होंने आख्या पुलिस के सिविल अधिकारियों दीआं 1072 टीमां सूबे भर के विच नज़र रख रही ने। जिथे भी पराली साड़न की गल सामने आउंदी है असी पहुँच के उत्थे कार्रवाई कर रहे हैं। किसानों नूं सहयोग दे फसली रहिंद खूंद ना साड़न की अपील करदिआं इत्थे अर्पित शुक्ला ने आख्या कि जेकर तुसी पराली नूं साड़ोगे तां वातावरण प्रदूषित हुंदा है अते तुहाडे वी बच्चियां ते माड़ा असर पैंदा है। एक पासे सख्ती की जानकारी दित्ती कि किन्ने असी केस कर दित्ते ने, किन्ना जुर्माना कीता है, किन्नियां रेड एंट्रियां कीतियां ने, उधर दूजे पासे पराली ना साड़न की अपील भी अर्पित शुक्ला दे वल्लों किसानां नूं कर दित्ती गई है। सरकार इस वार सख्ती दे मूड दे विच है अते किसान बर्दाश्त करनु, सख्ती बर्दाश्त करनु बिल्कुल तैयार नहीं जापदे। हुण मन्निया जा रहा है कि आने वाले दिनों दे विच पेचा जरूर पवेगा, क्योंकि जो सैकड़े परचे कट दिते गए हन
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 28 ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤ ਲਈ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਜਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ 3ਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 3ਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3ਜੀ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ AIG ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ STF ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। वह भी अदालत दे विच गए, अगाऊ जमानत लैके आ गए, वह भी फिर विजिलेंस के सामने पेश होए सन। लक ते उन्होंने बैल्ट बनी हुई सी, हुण दूजी वार विजिलेंस के वलों उन्होंने सद्या गया सी, अते दूजी वार भी अपने वकीलों के नाल मनप्रीत सिंह बादल विजिलेंस के अगे पेश होए। चार घंटिया तक विजिलेंस ने उन्होंने रिड़किया, भाव सवाल जवाब किते, पुछगिछ की। जिस तो बाद पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं मनप्रीत सिंह बादल ने आख्या, मैनू 100 वार बुलाउणगे, मैं 100 वार आवांगा, क्योंकि मैं जनतक शख्सियत हाँ, भाव मेरी एक पब्लिक लाइफ है, इस करके मैं इन्हां सवालों तो कदे भी नहीं भजांगा, जो भी मेरे तो पुछना है पुछण, मैं जांच दे विच सहयोग जरूर करांगा। पर नाल दी नाल उन्होंने आख दिता कि यह सब भगवंत मान दे वल्लों मेरे खिलाफ निजी ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अगली खबर के वल वधदे आ, माण सरकार दे वल्लों पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला दी ग्रांट ते वड्डा कट ला दिता गया है, तीजा हिस्सा ही कट दिता गया है। 30 करोड़ रुपए प्रति महीना ग्रांट सरकार दे वल्लों दिती जा रही सी वादे दे मुताबिक पंजाबी यूनीवर्सिटी नू, पर उस दे विच कट ला के हुण सिर्फ प्रति महीना 20 करोड़ रुपया ही दिता जाएगा। जिस तो बाद सरकार ते कई तरह के सवाल खड़े हो गए ने, क्योंकि सरकार कहती है बहुत पैसा है। अरविंद केजरीवाल पंजाब आए सन, कहिंदे इन्ना पैसा कित्थों आ गया, इन्ना पैसा, पहलां वाले तां कहिंदे सी पैसा है नहीं, हुण वेखो किन्ना पैसा आ गया है भगवंत मान दे कोल। पर सरकार दे वल्लों अजिहे कदम चुक के पैसे बचाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। एक पासे सरकार कहिंदी है बहुत पैसा है, उधर दूजे पासे विद्यक संस्थावां दीआं ग्रांटां ते कट लाउण दा कम सरकार दे वल्लों कीता जा रिहा है। 33% ग्रांट पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला दी कट दित्ती गई है माण सरकार दे वल्लों, इह खबर सामणे आई है। अगे वधदे आ, मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों गुजरात चोणां दे विच इह ऐलान कर दिता गया सी। पूरे भारत के लोगों को दस्या गया सी कि असी पंजाब दे विच पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दिती है, जेकर गुजरात दे विच तुसी साडी सरकार बना देवोगे, हिमाचल दे विच सरकार बना देवोगे, पंजाब दे वांग असी इत्थे भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देवांगे। पर असल दे विच पंजाब दे विच पुरानी पेंशन स्कीम अज तक भी लागू नहीं हुई है, अते मुख्यमंत्री भगवंत मान दे घर दे बाहर पुरानी पेंशन स्कीम नूं लैके रोस प्रदर्शनां दा दौर लगातार जारी है। बीते दिन मुलाजमान दे वल्लों पुरानी पेंशन स्कीम की प्राप्ति दे लई रोस मजारा माण दे घर दे बाहर संगरूर दे विच कीता गया। वड्डी पुलिस दी कंध बनाई हुई है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने घर दे बाहर, ये मुलाजम उस कंध दे नाल टकरा गए, अते धक्का मुक्की दीआं तस्वीरां एक बार फिर तो मुख्यमंत्री दे घर दे बाहर वेखण नूं मिलीआं ने, बिल्कुल आम गल हो गई है। मुख्यमंत्री आप ही कहिंदे सन कि सिर्फ शहर ही बदलदा है, धरने नहीं बदलते, जिहड़ी कुट पैंदी है उसका सिर्फ शहर ही बदलता है, पहला बठिंडे फिर पटियाले उस तो बाद चन्नी दे शहर खरड़ मुरिंडे दे विच कुट खाण जाना पैंदा सी, अते हुण अजकल वह शहर संगरूर बनता दिखाई दिता है। अगली खबर के वल वधदे आ, आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटफत्ता दे वल्लों बठिंडा दे डीसी दे खिलाफ SSP नूं शिकायत दिती गई सी कि DC ने मेरा निरादर किया है, उन्होंने मेरा सन्मान नहीं किया, एक मेले दे विच उन्होंने मैनू बनदा मान सन्मान नहीं दिता, मैं एक SC हाँ, इस करके SC एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए है बठिंडा दे DC ते। SSP नू शिकायत दिती सी अमित रतन कोटफत्ता ने। हुण SSP बठिंडा
गुलनीत सिंह खुराना दे वल्लों जानकारी दित्ती गई है कि उन्होंने ये फाइल बंद कर दित्ती है क्योंकि विधायक की शिकायत दे विच दावा नहीं सी। एस एस पी ने आख्या असी हर पक्ष तो जांच कर ली है पर अजिहा सानू कुछ भी नहीं मिलिया कि डीसी ते एससी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, इस करके शिकायत दे विच दम ना होने के करके असी ये फाइल बंद कर दित्ती है। इस दे बारे विधायक नू भी जाणू करवा दिता गया है। एस एस पी बठिंडा दे वल्लों ये जानकारी दित्ती गई है। अगली खबर के वल वधदे आ। पंजाब सरकार दे वल्लों जनवरी के तीजे हफ्ते पंचायती चोणां करवाईआं जा सकदीआं ने। कुछ महीने पहला माण सरकार दे वल्लों एकदम ही सारियां पंचायतां नूं भंग कर दिता गया सी। मामला अदालत दे विच पहुंच गया, सरकार नूं वड्डा झटका लगा। पंचायत जिहड़े साबका सरपंच सन उह एक वार फिर तों मौजूदा सरपंच बन गए सन। हुण मीडिया रिपोर्टां सामने आ रहीआं ने कि सरकार दे वल्लों जनवरी दे तीजे हफ्ते पंचायती चोणां करवाईआं जा सकदीआं ने, पर जेकर एक वार फिर तों कोई अड़िका पै गया तां तरीक बदली भी जा सकदी है। रिपोर्टां तां इह वी दावा करदीआं ने कि मुख्यमंत्री भगवंत मान चाहुंदे ने कि इक्को वार दे विच सारीआं ही चोणां करवा लईआं जाण, नाल ही नगर निगम दियां, नाल ही पंचायती चोणां, नाल ही करवा लईआं जाण नगर कौंसल दियां, जिला परिषद दियां, ब्लॉक समितियां दियां, सारियां इकट्ठियां करवा लईआं जाण। भगवंत मान चाहुंदे ने वार वार चोण जाबता लगदा है, वो ठीक है नहीं है। एक पंजाब एक चोणां वाला फॉर्मूला भगवंत मान भी पंजाब दे विच अपनाउणा चाहुंदे ने, पर नगर निगम अते पंचायती चोणां दे विच एक दो हफ्ते का फर्क सरकार दे वल्लों पाया जा सकता है। रिपोर्टां दावा करदियां ने जनवरी दे पहले हफ्ते नगर निगम अते नगर कौंसल दियां चोणां करवाईआं जा सकदियां ने अते तीजे हफ्ते पंचायती चोणां हो सकदियां हन, इह जानकारी सामने आ रही है। अगली खबर के वल वधदे आ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नवीं अंतरी कमेटी की पहली बैठक श्री अमृतसर साहिब दे विच हुई है, जिस दे विच कुछ अहम फैसले एस जी पी सी की इस कमेटी के वलों लए गए ने। पहला फैसला यह लिया गया है कि बंदी सिंघां की रिहाई नूं लैके मुहिम होर तेज़ की जाएगी, जो कार्रवाइया की जा रही ने उन्होंने तेज़ किया जाएगा। राज्यपाल 26 लाख फार्म सौंप दिते गए ने बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग वाले। अते हुण 25 नवंबर नूं चंडीगढ़ दे विच सिख विद्वाना अते सीनियर वकीलां दी एक विशेष एकत्रता सद ली गई है कि बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई कानूनी तौर ते किवें लड़ाई लड़ी जा सकती है, उस दे विच विचार चर्चावां कीतियां जाणगियां। माण सरकार ते भी इल्जाम एस जी पी सी ने लाया है कि जो वोटां बन रहीआं ने उस नूं लै के सरकार गंभीर नहीं है। जिहड़ा प्रोसैस है प्रक्रिया है वोट बनाउण दी उह गुंझलदार कीती गई है, तां जो घट तो घट वोटां बणन उस नूं सरल कीता जाणा चाहीदा है। गंभीरता दे नाल वोटां बणवाईआं जाणीआं चाहीदीआं ने। वेखो समां वी वध गिआ है वोटां बणाउण दा, उस दे बावजूद बहुत घट वोटां बण रहीआं ने। सरकार इस नूं गंभीरता दे नाल लवे। एस जी पी सी दी अंतरी कमेटी दे विच इह सब फैसले लए गए हन। अगली खबर दे वल वधदे आ। सुखदेव सिंह ढींडसा श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे प्रधान हन, उन्हां दे कोलों पुछिया गया कि तुसी सुखबीर सिंह बादल दे नाल रलन लई एक बार फिर तों उन्हां दे नाल चलन लई तैयार हो। सुखदेव ढींडसा ने आख्या दो ही हालातां दे विच अजिहा हो सकता है, भाव सुखदेव ढींडसा ने सुखबीर बादल दे नाल मिलन दे लई दो शर्तां रख दित्तियां ने। कहिंदे ने दोवां दे विचों एक गल जेकर सुखबीर बादल कर दवे, मैं सुखबीर बादल दे नाल चलन लई तैयार हाँ, साडी सारी पार्टी अते होर जथेबंदियां जिहड़ियां कि अकाली दल दे नालों टुट गईआं ने। पहली गल जां तां उह श्री अकाल तख्त साहिब विखे पेश हो के अपनी सरकार दे दौरान कीतियां गईआं भुल्लां दी मुआफ़ी मंगण, जां अकाली दल दे प्रधान दे तौर ते अस्तीफा दे देण। सुखदेव ढींडसा ने आख्या महाराजा रणजीत सिंह जेकर श्री अकाल तख्त साहिब ते पेश हो सकते ने तां सुखबीर सिंह बादल क्यों नहीं, वो उन्हां तों वड्डे तां नहीं हो गए। श्री अकाल तख्त साहिब विखे पेश हो के अपनी सरकार दीआं भुल्लां दी मुआफ़ी मंग लैण सुखबीर बादल, असीं उन्हां दे नाल चल पावांगे। ये शर्त ढींडसा दे वल्लों सुखबीर बादल दे अगे रख दित्ती गई है। अगली खबर के वल वधदे आ। मौसम विभाग के वल्लों ये जानकारी दित्ती गई है कि अगले हफ्ते पंजाब दे विच ठंड जोर फड़ सकती है, तापमान होर भी डिग सकता है अते नवंबर का यह पूरा महीना खुश्क रहने की भविखबाणी मौसम विभाग ने की है। मौसम माहरां ने आख्या है कि दसंबर के भी अद्ध दे विच जाके मीह पै सकता है, उस तो पहला मीह की कोई भी संभावना नहीं बन रही है। तापमान आने वाले दिनों होर डिगेगा,
10 डिग्री तो भी हेठां जाण दी संभावना है, पर दुपहरां हल्कियां निग्गियां रहणगियां। इह गल मौसम माहिरां ने आखी है। इस वेले समोग है पंजाब दे विच, जिस नूं कि धुएं वाली धुंद कहा जांदा है। अगले दिनों दे विच इह धुएं वाली धुंद खत्म होण दी उम्मीद जताई जा रही है, अते जिहड़ी निरोल धुंद है उह पंजाब दे विच पैण लग पवेगी। हुण जिहड़े किसान ने ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।